नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ नई दिल्ली से। आज मैं आया हुआ हूँ लक्ष्मी नगर, ये पीछे शॉप है, आप देख सकते हैं गणेश कॉर्नर। वैसे लक्ष्मी नगर जाना आता है कोचिंग सेंटर्स के लिए और रेजिडेंशियल एरिया ये भी है, और ये काफ़ी इसमें कोचिंग सेंटर्स हैं, काफ़ी सारे और बिल्डिंग्स हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा इधर का। बट यहाँ पे भी एक खाने का काफ़ी अच्छा शॉप है ये गणेश कॉर्नर, मैंने सुन रखा था लोगों से, लोगों ने बताया था काफ़ी अच्छा शॉप होता है, काफ़ी भीड़ है, ये आप भीड़ भी देख सकते हैं, ये भीड़ यहाँ पे एनी टाइम भीड़ रहती है, यहाँ पे भीड़ ख़त्म ही नहीं होती। तो मुझे लगा ऐसा क्या है कि पूरी दिल्ली दीवानी है यहाँ की। यहाँ का जो सबसे फेमस है वो है कचौरी और इसके अलावा छोले भटूरे। तो आइए यहाँ पे हम चलते हैं शॉप में, ट्राई करते हैं यहाँ का फूड कैसा है और आपको रहते हैं टेस्ट कैसा। आइए चलते हैं शॉप में। जैसे कि आप भीड़ देख सकते हैं यहाँ पे कितना भीड़ है। सुपर क्राउड है, आप देख सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे एक मिनट भी आपको कहने की लाइन नहीं टूटती है, सुबह से लेकर शुरू होती है और शाम तक आपका लाइन चलते रहती है। आप खाने का देखिए, क्योंकि इससे फेमस शॉप ये देखिए, यहाँ तक लोग बहुत ही सुपर नज़ारा है। तो आप हमारे साथ ही रहिएगा, अभी आपको पूरा रिव्यू देंगे बिकॉज अभी हम शॉप पे एंट्री किया है। सो स्टे ट्यून्ड। हाय फ्रेंड्स, अभी ट्राई करेंगे जी। बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा जैसे कि मैं अभी अभी यहाँ पे आज शॉप तो है ही फेमस, मैं इसका भी खा के आपको बताता हूँ। सुपर व्यू है, यही बताना चाहूँगा बिकॉज अभी तक जैसे मैं अपने दोस्त से आता हूँ, हमने काफ़ी ट्राई किया, काफ़ी शॉप्स में गए, लेकिन पहली बार डिफरेंट टेस्ट, इट्स रियली बेटर सो मच, बहुत अच्छा लगा खा के। जैसे कहते हैं ना, कुछ जो फेमस शॉप होती है तो उन बात अलग ही होती है, हालांकि कई बार लोग कहते हैं कि नहीं वहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है, ऐसा नहीं है, बट यहाँ कुछ डिफरेंट है। तो कहते हैं ना माँ के खाने की, जो माँ के हाथ के खाने की वही बात होती है, तो उससे आपको फेमस शॉप का तभी आप बहुत अच्छा है, यही रिव्यू है, लेकिन बहुत अच्छा है, आई लव इट, आई एम एंजॉयिंग, टेस्ट इज रियली सुपर। रियली सुपर बिकॉज जो इनका मैंने यहाँ पे यूज़ करते हैं खाने के लिए, जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं बिकॉज सुपर है और बिल्कुल प्योर करते हैं, जिसमें इसमें जैसे कई बार अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे फूड है और आप क्राउड के आप देख ही सकते हैं, जैसे आप मैं आपको ऑलरेडी शेयर करेंगे उनका भी तो बहुत सोच तो दिखाएगा ना। तो हमारी फर्स्ट डिश आ चुकी है, ये है कचौरी और हमने उसके लिए भी लाइन ली, बट कितनी लाइन काफ़ी लंबी है तो हम उसको ले नहीं पा रहे हैं, तो भी थोड़ी देर में पहले ख़त्म करके हम छोले भटूरे भी ट्राई करेंगे। भाई इसको टेस्ट करते हैं और इसको जानते हैं इसका टेस्ट कैसा है। ये जो भीड़ है इस हिसाब से तो आप देख सकते हैं, पता चलते इस टेस्ट में कुछ तो ऐसा जादू है कि लोग पूरी यहाँ के दिल्ली पागल है इसके लिए, इस कचौरी के लिए। आइए इसको टेस्ट करते हैं। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है जिसके लिए जाना जाता है, और ये सब्ज़ी बिल्कुल भी ज़्यादा उसमें पानी नहीं है, बिल्कुल बहुत ही गाढ़ी है, जैसे और जगहों पे जो उसके साथ सब्ज़ी दी जाती है वो काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, तो उसमें उस टेस्ट में मज़ा नहीं आता, बट इसमें ऐसा नहीं है, ये आप देख सकते हैं एकदम ही इसमें सिल्वर से उसका यही आइटम है, तो टेस्ट काफ़ी अच्छा है। आलू की काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, हींग भी डाली गई है जिस वजह से खुशबू में चार चार लग रहे हैं और टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छा टेस्ट और काफ़ी अच्छा अनुभव मुझे हुआ यहाँ आके, क्योंकि कचौरी तो हमने बहुत सारी खाएंगी बट इसी कचौरी मैंने कहीं नहीं खाई, तो अब तक की बेस्ट कचौरी जो मैंने अब तक ट्राई करी है, काफ़ी अच्छा रहा। तो अब हम वेट करेंगे कि हमारा छोले भटूरे की प्लेट आ जाए तो उसके भी रिव्यू देंगे, ये दो चीज़ यहाँ के सबसे ज़्यादा फेमस हैं। तो आइए अब हम अभी छोले भटूरे के लिए लाइन में लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा ही लंबी लाइन है, तो एक बार हमारा ऑर्डर आ जाए उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। फाइनली हमारे छोले भटूरे की प्लेट आ चुकी है, ये रही, और अब वो कमल बताएगा इसका टेस्ट कैसा है, इसके बाद मैं बताऊँगा इसका टेस्ट कैसा है। ये देखिए आप आपको भटूरा दिखाएंगे, इसके अंदर पनीर भरा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, अब इसको फाड़ के ये बोलना, ये आप देख सकते हैं ये पनीर भरे हुए हैं और सारे जो भटूरे हैं ये भी थोड़ा सा डिफरेंट लग रहे हैं, बिल्कुल ऑयली नहीं है अदरवाइज, ये आप देख सकते हैं इनमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, अदरवाइज छोलों में ऑयल होता है, इसमें पनीर है, इनमें पनीर की फिलिंग करी गई है जिसकी वजह से इसमें डिफरेंट टेस्ट आने वाला है, और ये जो भीड़ मैंने आपको दिखाई थी इसीलिए हमारी आ चुकी है। ये आप देख सकते हैं ये है छोले जो बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, और इसके अलावा ये जो भटूरे हैं मैं दिखाता हूँ, भटूरों में जो फिलिंग्स है ये पनीर की फिलिंग्स है जिसकी वजह से काफ़ी डिफरेंट टेस्ट आने वाला है, ये भीड़ इसी की दीवानी है। तो आइए इसको पहले कमल टेस्ट करता है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैं आपको बताने वाला हूँ कि छोले भटूरों का क्या टेस्ट है, जैसे हम कहा आपको ऑलरेडी शेयर किया, इसमें पनीर वगैरह और बिल्कुल सुपर तरीके से बनाया गया है।
बहुत ही सुपर है। मैं बताना चाहूँगा टेस्ट, जैसे मैंने अभी जो खाया एक चीज़ रियली टेस्ट उसका सुपर ग्रेट कहते हैं। इसमें कहने वाली कोई बात नहीं, जैसे मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, जैसे माँ के खाने की याद आती है, फेमस शॉप पे आप जाते हैं तो कोई ना कोई बात होती है, बिल्कुल माँ का हाथ तो नहीं, लेकिन बहुत सुपर तरीके से जो इनको बनाया गया है। मैं एक बार दो और शेयर आपको शेयर करूँगा, रियली ग्रेट टेस्ट। इन्हें विनेगर भी यूज़ किया है अचार के अंदर, जिसकी वजह से आपका जो है देखने से भी लग रहा है एकदम खाना बिल्कुल, जैसे आप कहीं ठेले पे जाते हैं तो आप देखते होंगे वहाँ पे खाना जो है देखने से पता लगता है फूड की क्वालिटी, यहाँ पे आप देखने से पता लगेगा क्वालिटी, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। आपको बताना चाहूँगा, जैसे वो कहते हैं ना कि आपका किसी को देख करके सूट से पता लगता है, जब किसी आदमी को आपको पहचान करनी है तो उसके जूतों से पहचान होती है, ऐसी शॉप पर जब आप आते हैं उनकी फूड की क्वालिटी से पहचान होती है खाना कैसा है। इट्स रियली सुपर ग्रेट, एंजॉय इट, आई लव इट, थैंक यू। आइए इसको हम टेस्ट करते हैं और जानते हैं इसका टेस्ट कैसा है हमारे हिसाब से। आप लोग हमने जो भी छोले भटूरे ट्राई किए उन सब में से इसका टेस्ट काफ़ी डिफरेंट है, और जो पनीर की फीलिंग है इसकी वजह से काफ़ी डिफरेंट टेस्ट आ रहा है, काफ़ी अलग सा टेस्ट आ रहा है। इसके अलावा जो सैलेड दी गई है, अचार है, उसका भी टेस्ट काफ़ी ज़बरदस्त है, प्याज चटनी है, इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। चाहिए और थोड़ा सा डीपली जाने के लिए एक बाइट और लेते हैं। और जो ये जो छोले हैं इसमें काफ़ी अलग टेस्ट आ रहा है, ऑयल नहीं है, काफ़ी डीप फ्राइड किया गया जिसकी वजह से इसमें काफ़ी हटके टेस्ट आ रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है। तो इसका टेस्ट ऐसा है कि अगर आप भी एक बार यहाँ पे खाएंगे तो आप भी इसका दीवाने हो जाएंगे, आप एक बार खाएंगे तो आपको बार बार आने का मन करेगा। तो इसके लिए इसका वजह है इसका टेस्ट काफ़ी डिफरेंट, काफ़ी अलग, काफ़ी लाजवाब टेस्ट है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। कोई भी यहाँ पे आके खाना खाएगा ये ट्राई करेगा तो इसका दीवाना हो ही जाएगा। ठीक है, थैंक यू। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और आपका कोई सवाल या सुझाव होता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, छोटा सा जो बेल आइकन है उसको दबाइए ताकि जब भी मैं ऐसे डिलीशियस फूड वीडियोज और जगहों पर विजिट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलती रहे। और स्टे ट्यून, मैं आप सबके लिए ऐसे ही फूड वीडियो लेके आता रहता हूँ।